Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन करा। फॉर्मूला आप तक तुम्हें समझ चुके हो। सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरएफओ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी अब तक आप अच्छी तरह समझ आ चुका। ए पार्ट पहले कराता हूँ। सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीज और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एम आई राइट? ये रही फिक्स्ड एसेट्स, ये रही मेरे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो रिजर्व का कोई यूज है। सो हम लोग बहुत सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज नेट सेल्स बोल दो या आरएफओ बोल दो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड का इसमें एसेट साइड अप्रोच से फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इज फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दिखा दिया मैंने आपको फिक्स्ड एसेट्स में बच्चों 40,000 रुपए की, करंट एसेट्स देखते हैं 80,000 के डेटर्स, 7,000 की कैश और 70,000 के बच्चों स्टॉक माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स हैं बच्चा। सो 1,27,000 की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। सो कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपके सामने, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन चल रहा है बच्चों। नेट सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रही 4 लाख रुपीज बच्चों। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 1,27,000 आंसर आ गया हमारा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 127 इज 3.15 times, 3.15 times यानी कि हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड से करीब 3 गुना अमाउंट सेल का कर लेते हैं। हर साल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड से करीब 3 गुना अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड को टर्नओवर के साथ जब हम लोग रिलेट करते हैं तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकला। अब इसी का बी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। ऑलमोस्ट वही चीज समझाने की कोशिश की हुई है, सिर्फ लायबिलिटी साइड अप्रोच से। अब आप देखो शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए और जीपी दिया हुआ है। सो जीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 लाख विच इज 20% ऑफ कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 8 लाख इज 20%, तो 100% कितना होगा बच्चों? 8 लाख इज 20%, तो 100% इज 40 लाख। सो ये कॉस्ट आ गई। और बच्चों आरएफओ यानी कि नेट सेल्स इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जीपी ऐड कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चों 40 लाख और जीपी तो हमारा 8 लाख है ही है, तो 48 लाख रुपीज इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। राइट, एक चीज आ गई। आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे चलते हैं बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटी साइड अप्रोच से देखें तो शेयर होल्डर फंड्स क्वेश्चन में ही गिवन है प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि जितने भी आपको डेट्स गिवन है और यही क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये रहे 4 लाख और 8 लाख बच्चों शेयर होल्डर फंड्स और वो नॉन करंट लायबिलिटीज 8 लाख, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख रुपीज बन गए। आंसर हमारे सामने आ चुका है अब तक। कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 48 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, आंसर इज 4 times। सो सिंपल, क्लियर हो गया।